That D option is there. ठीक है तो थोड़ा प्लान बना के थोड़ा सिस्टम बना के सोचिएगा आपका आंसर आ जाएगा आइए नेक्स्ट आगे सिक्स इन द क्यूब ऑफ साइड ए सोन इन फिगर दिवैक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी to the central point of the face B E F O will be थोड़ा फिगर बड़ा करते हैं कुछ ट्रिक समझाते हैं ध्यान से देखो फिगर समझिए आंसर आ जाएगा देखिए भाई ये है ओरिजिन तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया जीरो 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 इस फेस का देख लो ये एक्स एक्सेस है ये जेड एक्सेस है ये वाई एक्सेस है तो क्या इस फेस का कोऑर्डिनेट ए बाई टू कोमा जीरो और फिर ए बाई टू होगा ये पॉइंट जी है और जो एच पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जीरो ए बाई टू कोमा ए बाई टू होगा तो अगर आप ओ जी वैक्टर लिखेंगे ओ जी वैक्टर तो ओ जी वैक्टर हो जाएगा ए बाई टू आई कैप थोड़ा छोटा करें थोड़ा ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू के कैप और अगर आप ओ OH एच वैक्टर लिखें ओ तो एच वैक्टर हो जाएगा ए बाई टू जे कैप एंड ए बाई टू के कैप अब आप देखिए यहां तीन वैक्टर कुछ इस तरीके का है फिगर के साथ रहने दीजिए देखिए यहां एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर और ये है तीसरा वेक्टर ये है ओ पॉइंट यह है जी पॉइंट और यह है एच पॉइंट तो अगर आप जी एच वैक्टर लिखिएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो अकॉर्डिंग टू यंगल लॉ क्या वो ओ एच वैक्टर माइनस ओ जी वैक्टर आएगा देखिए ओ जी वैक्टर प्लस जी एच वैक्टर को आप जोड़िएगा तो ओ एच वैक्टर आएगा ओ तो एच वैक्टर आ गया आपका ए बाई टू जे कैप एंड ए बाई टू के कैप और इसमें से माइनस करना है ओ जी वैक्टर ओ जी वैक्टर इज ए बाई टू आई कैप एंड ए बाई टू के कैप ठीक है के कैप के कैप वाला कट गया ये हम लोग के पास बचा ए बाई टू जे कैप माइनस ए बाई टू आई कैप देख लीजिए कुछ होगा जे ए टू जे कैप माइनस ए बाई टू आई कैप तो एकदम प्लान के हिसाब से चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है ध्यान से आगे नेक्स्ट सेवन में लिखा है टू फोर्सेस पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड है टू एफ और क्यू का मैग्नीट्यूड है थ्री एफ रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा विथ इच अदर इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड तो फर्स्ट केस में अगर हम रिजल्टेंट वन लिखे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क् और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो टू पी क्यू कॉस थीटा अगर हम लोग यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया उसको पुट कर दे तो पी के जगह पे टू एफ का स्क्वायर दैट इज फोर एफ स्क्वायर उसके बाद फिर नाइन एफ का स्क्वायर फिर उसके बाद टू ऑफ टू एफ एंड थ्री एफ और साथ में थीटा इट इज अंडर रूट नौ चार तेरह थर्टीन एफ स्क्वायर और चार तीन बारह ट्वेल्व एफ स्क्वायर थीटा ये रिजल्टेंट वन है लिखा इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड अच्छा क्यू को अगर डबल भी कर दीजिएगा तो खाली मैग्नीट्यूड ना बदलिएगा एंगल तो उनके बीच नहीं बदलेगा तो सेकेंड केस में अगर आप रिजल्टेंट टू लिखते हैं तो फिर से आपको अंडर रूट पी का स्क्वायर जो एक्चुअली टू एफ का स्क्वायर लेकिन q अब डबल हो गया तो थ्री एफ से डबल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा सिक्स एफ सिक्स एफ का स्क्वायर टू पी के जगह पे टू एफ टू क्यू के जगह पे सिक्स एफ लेकिन थीटा तो वही रहेगा cos थीटा तो आपके इस आर टू का वैल्यू हो रहा है रूट अंडर फोर एफ स्क्वायर थर्टी सिक्स एफ स्क्वायर चार और छह चौबीस ट्वेंटी फोर एफ स्क्वायर एंड कॉस थीटा क्वेश्चन का कहना है द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल कि जो आर टू है वो आर वन का दुगना है

ट्वेल्व एफ स्क्वायर कॉस्थीटा आराम से दोनों तरफ स्क्वायर करो एफ स्क्वायर को कॉमन ले लो कट जाएगा थीटा का वैल्यू निकालो तो यहाँ छोड़ रहे हैं कैलकुलेशन कर लीजिएगा ठीक है ना फाइंड थीटा ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर करोगे टू का स्क्वायर फोर लिखना भूलना मत उसका भी स्क्वायर करना सॉल्व करोगे आंसर इफ द प्रोजेक्शन ऑफ देन द वैल्यू ऑफ इज़ इन दो वेक्टर का प्रोजेक्शन एक दूसरे के ऊपर जीरो होता है समझने वाली बात है जब दो वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा 90 हो तभी ए का प्रोजेक्शन बी पे या बी का प्रोजेक्शन ए पे जीरो होगा तो क्वेश्चन जब तुमसे ये बोले ना कि प्रोजेक्शन ऑफ एक वैक्टर दूसरे वैक्टर के ऊपर जीरो इसका मतलब वो कह रहा है कि दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर है और अगर दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है तो हमेशा ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट जीरो है अब डॉट प्रोडक्ट जीरो का तरीका है एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ तो टू इंटू वन प्लस फोर इंटू टू माइनस प्लस प्लस माइनस टू इंटू अल्फा ये सब जीरो होगा तो यहाँ टू है यहाँ एट है यहाँ माइनस टू अल्फा है तो टू अल्फाइज इक्वल्स टू टेन अल्फा इज इक्वल टू फाइव तो अल्फा विल बी फाइव अल्फा का वैल्यू फाइव नाइन लिखा है ए एंड बी मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी विल बी ये आपको खुद से बनाना चाहिए ठीक है अगर आपको जैसे हम लोग ऐसा कंपोनेंट वाला फिगर पहले भी बनाए थे मान मान लीजिए लीजिए है 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 ये A है। ये, A है, ये बीच का एंगल थीटा है ये वेक्टर आपका बी है और आपको ए का कंपोनेंट बी की तरफ लेना है तो इनडायरेक्टली आपको एक और थीटा निकालना है और केवल मैग्नीट्यूड निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी निकालने का मतलब है कि आपको एक थीटा केवल निकालना है और एक थीटा का मतलब है कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों वेक्टर दिया है आराम से कैलकुलेशन कीजिए आंसर आएगा ठीक है थीके? अगला नेक्स्ट we got three particles p q and r are moving along the vectors a b c respectively they strike on a point and it starts to move in different directions now particle p is moving normal to the plane which contain vector a and b फिर से पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन वेक्टर ए एंड बी सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन ए एंड सी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू क्या लोग ऐसा सीखे थे कि अगर दो वेक्टर दिया रहे तो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर को यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं दो वेक्टर दिया रहे तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हम आपको छोटा सा याद दिलाते आपको पढ़ाए थे ऐसे कि सी कैप इज इक्वल टू था हम लोगों के पास ए क्रॉस भी जो परपेंडिकुलर था लेकिन इसका यूनिट वेक्टर बदलना था तो उसी के मॉड से डिवाइड कर देते थे याद आए सी कैप इज यूनिट वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच ए एन बी लाइज ठीक है अब इसी कंसेप्ट को अभी यूज करना पार्टिकल पी इसका जो वेलॉसिटी वैक्टर हम लिखेंगे यूनिट वैक्टर वो नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन ए एन बी लिखा है देखो यहां लिखा है पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन ए एन बी तो हम यहां करेंगे ए क्रॉस बी वैक्टर और उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे देखिए हम बना नहीं रहे हम इसको छोड़ रहे हैं। आपको ऊपर से ए और बी लेना है उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बीवन निकालना है अब दूसरा फॉर पार्टिकल क्यू सिमिलरली पार्टिकल क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन ए एंड सी मूविंग है तो चलो हम लोग ही टू वेलॉसिटी दे दे ए एंड सी तो ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसी के मॉड से डिवाइड कर लो देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद कंप्लीट करना और जब तक आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है अब आपको दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी मिल गया मान लीजिए ये वन है सपोज ये भीतु है ये मेरा भीवन है जिधर पी मूव कर रहा है और ये मेरा बी टू है जिधर क्यू मूव कर रहा है पूछा इन दोनों के बीच का एंगल बताओ नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देर मोशन अगर आप चाहते हैं कि उनके मोशन के बीच का एंगल निकाले यूज डॉट प्रोडक्ट अब आप डॉट प्रोडक्ट लगाइए आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हम लोग दो वैक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं और उसका थीटा होता है एक वैक्टर का दूसरे वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वैक्टर लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग यूनिट वैक्टर लेके चल रहे हो तो नीचे वाला दोनों मॉड वन वन हो जाएगा तो सिंपली आपका जो भी आया है उसका डॉट प्रोडक्ट भी के साथ ले लीजिएगा नीचे तो बनाएगा ठीक है ये आपको कॉस थीटा बताएगा बेहतरीन क्वेश्चन सोच सोच के समझ समझ के एक मिनट जब तक आप इस पर सोचिएगा नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है तो एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब मिला दिया गया थोड़ा ध्यान से इलेवन इफ पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस पी P क्रॉस Q और क्यूब क्रॉस P दोनों बराबर है देखिए दोनों बराबर होता नहीं क्योंकि अगर एक अगर ईस्ट के डायरेक्शन में आएगा तो दूसरा वेस्ट के डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन तो उल्टा होना ही है दे कैन नॉट बी इक्वल लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वल लिखा है अगर क्वेश्चन में इक्वल लिखा है तो ये तभी पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब पी या Q इज इक्वल्स टू जीरो 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 हो या फिर क्या हो उल्टा डायरेक्शन के लिए एक सौ अस्सी हो है ना इनका क्रॉस प्रोडक्ट तभी होगा कि जब उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो हो या एक सौ अस्सी हो क्या हो जीरो हो या एक सौ अस्सी हो देखो अगर मेरा p क्रॉस Q है ये भी जीरो आ जाए और अगर मेरा Q क्रॉस P है ये भी जीरो आ जाए तभी ना बोलेगा कि हाँ दे आर इक्वल यहां P क्रॉस Q होगा इज इक्वल तो उनके बीच का जीरो आने का दो संभावना है या तो उनके बीच का एंगल जीरो हो या फिर उनके बीच का एंगल एक सौ अस्सी हो तो अगर आपको जीरो से लेके 360 के बीच कोई एंगल चुनना है तो आप यहां 180 चुनिएगा जीरो तो लेना नहीं है 360 भी लेना नहीं उसके बीच में कुछ लेना है तो बीच में कुछ लेना है तो उनके बीच का एंगल 180 हो एक P इधर हो और Q इधर हो तो अब चाहे P क्रॉस Q बोलो या Q क्रॉस P बोलो दोनों का दोनों का वैल्यू कितना है जीरो है क्योंकि उनके बीच का साइन थीटा चाहे जीरो लिखे वन एक सौ अस्सी लिखे वैल्यू जीरो आएगा तो P क्रॉस B बोलिए या Q क्रॉस P बोलिए दोनों का वैल्यू कितना है जीरो है ठीक है एक सौ अस्सी एंगल ट्वेल्व में लिखा है अब फोर्स F एफ एक्टेटिव पॉइंट फोर्स है एक्ट एट ए पॉइंट ऑफ अपन का वैल्यू दिया है मैग्निट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना है उसका वैक्टर है आई कैप टू जे कैप एंड के कैप तो सबसे पहले आप पोजिशन वैक्टर ऑफ पी निकाले विथ रिस्पेक्ट टू ओ तो पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ तो फोर में से वन आई कैप माइनस हुआ थ्री आई कैप थ्री में से टू गया तो जे कैप और माइनस के में से एक और माइनस के गया तो माइनस टू के कैप दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओ तो आपको याद होगा कि अगर हमको टॉर्क निकालना है देन आई हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन पॉइंट क्रॉस विथ फोर्स वैक्टर तो भाई आपके पास ये है थ्री आई कैप जे कैप माइनस टू के कैप और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फोर्स के साथ फोर्स क्वेश्चन में, में है, आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस थ्री के कैप आराम से इस क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कीजिए जैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया गया उसका मॉड निकाल दीजिए आंसर आएगा ठीक है कर लीजिएगा सॉल्व इसको खुद से याद रखिएगा मॉड निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मॉड निकालना है ठीक है चलो यही तक रखते हैं इसको थोड़ा सेव कर लें क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाई क्यू जेई के लेवल का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम तो क्वेश्चन नंबर वन इन टू डिफरेंट एक्सपेरमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मार्स फाइव के जी मूवी स्पीडी फाइव मीटरेंट वॉल्स एंड कम्स टू रेस्ट विद इन फर्स्ट वॉल से जब वो हिट किया तो वो रेस्ट में आया तीन सेकंड के बाद और सेकेंड वॉल से जब हिट किया तो वो रेस्ट में आया फाइव सेकंड के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस मतलब इम्पल्स और एवरेज फोर्स के बारे में सोचना है अब देखिए इम्पल्स का सीधा मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम में आप लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अब अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी वन और इनिशियल मोमेंटम बॉडी टू दोनों का सेम था और फाइनल मोमेंटम बॉडी वन मतलब केस वन और फाइनल मोमेंटम केस टू दोनों में सेम है तो अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही वॉल से कोलिजन में सेम है तो चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट केस एंड चेंज इन मोमेंटम इन सेकंड केस ये भी सेम होगा तो इंपल्स इन फर्स्ट केस एंड इम्पल्स इन सेकंड केस ये भी सेम होगा तो इम्पल्स दोनों केस में बराबर अब देखो हम लोग पढ़े इंपल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इन टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट तो यहां से आप एफ लिख सकते हैं इंपल्स बाय टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट अगर इंपल्स दोनों केस में सेम है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल विथ वन बाय टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट केस में तीन सेकेंड कॉन्टैक्ट में था और सेकेंड केस में पांच सेकेंड कॉन्टेक्ट में था तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट वन कम है फोर्स एवरेज फोर्स इंपल्स नहीं एवरेज फोर्स एवरेज फोर्स में ज्यादा और टू के केस में कम होगा तो इंपल्स तो दोनों केस में सेम होगा लेकिन एवरेज फोर्स सेम नहीं होगा इंपल्स विल बी सेम फॉर बोथ द केसेज बट द एवरेज फोर्स बी ऑप्शन इज देयर एवरेज फोर्स अलग अलग होगा लेकिन इन दोनों केस में सेम होगा किस केस में एवरेज फोर्स ज्यादा होगा जिस केस में कम समय लगा है उस केस में एवरेज फोर्स ज्यादा होगा एंड वाइस आगे नेक्स्ट टू में लिखा है बैलून हैज मास टेन ग्राम इन एयर द एयर स्किप फ्रॉम द बैलून एट ए यूनिफॉर्म रेट विथ अ वेलोसिटी

एंड दैट थर्स्ट इज इक्वल्स टू रिलेटिव एलोसिटी जिससे गैस या माँस वहाँ से बाहर निकल रहा है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास्क टीएम बाई डी टी तो ये भी रिलेटिव आपका फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है टोटल दस ग्राम का मास है और उसको निकलने में जो समय लगा वो पाँच सेकेंड है आंसर भी है ना आपसे डाइन में ही पूछा है तो सब सी जी एस का सी जी एस में ही रखते हैं तो इससे ये कटा लगभग यहाँ पर नाइन का वैल्यू आ रहा है नाइन ठीक है, आप को अगर घर में फुला के छोड़िएगा ना उसका नोजल बंद बगैर तो देखिएगा इधर उधर भागता है तो उसके पीछे आपका F equals to काम नहीं करता। उस समय है ना थ्रस्ट का इक्वेशन काम करता है जो मास सिस्टम के लिए यूज होता है मास सिस्टम एफ एफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इन टू डी एम बाई डी टी यहाँ रिलेटिव का मतलब है जिससे गैस उससे बाहर निकल रहा है लिखा है बॉल ऑफ मास 0.15 पॉइंट वन फाइव के जी हिट्स दॉल विथ इनिशियल स्पीड ऑफ ट्वेल्व मीटर पर एंड बाउंस बैक विदाउट चेंज इन इट्स इनिशियल स्पीड मान लीजिए वो ये वॉल है एक बॉल गया इसपे टकराया और फिर सेम स्पीड से लौट गया इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट इज हंड्रेड न्यूटन कैलकुलेट द टाइम आपको निकालना होगा चेंज इन मोमेंटम उसी को आप इंपल्स या एफ डेल्टी से इक्वेट करें तो इनिशियल मोमेंटम आप उसका लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में एम आई कैप तो फाइनल मोमेंटम आप उसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एम वी माइनस आई कैप माइनस आई कैप तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज एम वी माइनस आई कैप एंड इनिशियल मोमेंटम इज एम वी आई कैप दोनों को अगर सिस्टमैटिकली रख लिया जाए तो टू एम वी आई कैप यहाँ माइनस आई कैप बस डायरेक्शन बताता है टू एम वी से आपको काम है माइनस आई कैप डायरेक्शन बताता है हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो वॉल का इंपल्स है और वॉल का इंपल्स का मतलब हो गया फोर्स इनटू डेल्टी तो अगर आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट चाहिए अगर आपको डेल्टी चाहिए तो जो भी आपका चेंज इन मोमेंटम आया है उसमें एफ से डिवाइड कर दीजिए चेंज इन मोमेंटम है टू एम वी और एफ आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बस यूनिट एक कर लेना सारा का सारा यूनिट एस si आई कर लेना डेल्टी निकाल देना आंसर आ जाएगा ठीक है वैसे सब कुछ दिया भी है ऐसा si. ही कितना है तो जहां मास है वहां पे जीरो पॉइंट वन फाइव के जी और जहां वी का वैल्यू है वहां ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड और जहां आपको एफ चाहिए वहां हंड्रेड न्यूटन तो सब SI में दिया भी है वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए आंसर आएगा लिखा ब्लॉक ऑफ मेटल वेगिंग टू के जी रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन फ्रिक्शनलेस इट इज स्ट्रक बाई ए जेट रिलीजिंग वॉटर एट द रेट ऑफ वन के जी डीएम बाई डी टी दिया हुआ है वन के जी पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ बी दिया हुआ है टेन मीटर पर सेकेंड जेट से निकलने वाला जो वॉटर है वो इस ब्लॉक से टकरा रहा है यहाँ पे जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है तो कोई भी फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है नहीं देन इनिशियल एक्सलेशन तो भाई फोर्स निकालिए ना फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज जो हमारे जेट क्या चेंज इन मोमेंटम है चेंज इन मोमेंटम का रेट डीपी बाई डी टी लिखो तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एम लिखो इसमें से भी बाहर आ गया आगे है डीएम एम बाई डी तो आपके लिए ये फोर्स हो गया एफ जो ब्लॉक पे लग रहा है भी का वैल्यू हो गया टेन और यहां हो गया वन के पर सेकेंड तो चलो ये टेन न्यूटन है क्या इस फोर्स को हम लोग मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सलेशन लिख सकते हैं तो हमारे ब्लॉक का मास है दो के जी दोजीशन इज इक्वल टू टेन सो एक्सलेशन इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइव लिखा है ब्लॉक ऑफ मास टू के जी मूविंग ऑनरिजेंटल सर्फेस विथ स्पीड ऑफ फोर मीटर पर सेकेंड इंटरस रफ सर्फेस रेंजिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव मीटर टू एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव मीटर द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज ऑफ द रफ सर्फेस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बाई एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स ये एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स उसका रिटर्निंग फोर्स है का वैल्यू है 12 द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट जस्ट crosses द रफ surface विल बी क्या हम इस फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सलेशन यहां पे एक्सलेशन आप लिख सकते हैं माइनस के बाई एम एंड एक्स आपको डिस्टेंस के साथ स्पीड निकालना है सो इट कैन बी भी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज टू माइनस के एक्स बाई एम तो आपके पास हो गया वी इंटू डी टू के बाई एम एक्स डॉट डी एक्स वी डॉट डीवीग्री डॉट डीवी माइनस के बाई एम बाहर इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएक्स अब x का वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा है तो भाई ये रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है 1.5 से लेके एक मिनट जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव तक जीरो पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव तक लेके जिसमें उसका इनिशियल वेलोसिटी ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड था उसका इनिशियल वेलोसिटी ट्वेल्व मीटर सॉरी फोर मीटर पर सेकेंड डाटा देख लेना उसका इनिशियल स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड था आपसे फाइनल स्पीड पूछा है और भी ऊपर हम देख के, के और M एक बार लिख दे जहां K का जरूरत पड़ेगा वहां पे आप 12 न्यूटन पर मीटर ले लेंगे ले और जहां मास का जरूरत पड़ेगा वहां आप दो के ले ले लें डाटा पुट करके सॉल्व करो इंटीग्रेशन करना है आपको भी का इंटीग्रेशन भी स्क्वायर बाई टू हो गया लिमिट आपके पास है के बाई एम एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया लिमिट पुट करके सॉल्व कर दो भी निकाल ठीक है इंटीग्रेशन आपको करना है कैलकुलेशन तो हम एक भी नहीं करेंगे कैलकुलेशन सब आपको कंप्लीट करना है मेरा काम है केवल कंसेप्ट समझाना कैलकुलेशन करके आंसर नहीं लाना कंसेप्ट समझाना लिखा है द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज वन थाउजेंड के जी कैलकुलेट एट वट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न सो दैट द रॉकेट इज गिवन एन एक्सेशन ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर The gas comes out at a relative speed of 500 meter per second with respect to the rocket. मान लीजिए ये एक रॉकेट इसमें यहाँ तक फ्यूल भरा हुआ है जब इसका engine स्टार्ट होता है तो इससे गैसेस जल के ऐसे बाहर निकलता है ये हमारे पास नीचे की तरफ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ़ गैस अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगता है थ्रस्ट लेकिन एट द सेम टाइम इस रॉकेट का MG भी तो लगेगा ना नीचे फिर भी इन सबको ओवरकम करके रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सोरेट होता है यह है मेरा थ्रस्ट का फोर्स यह है बॉडी का रॉकेट का अपना एम और यह होता है बॉडी का नेट एक्सोरेशन नेट एक्सलेशन का मतलब है इसी डायरेक्शन में है नेट फोर्स तो अगर आप उस रॉकेट पे लगने वाले नेट फोर्स को लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि जो भी हमारे थ्रस्ट का फोर्स है उसमें से एम जी माइनस मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल्स टू थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी माइनस एम जी करेक्ट है तो यहां पे थोड़ा चीजों को समझने का कोशिश करो मास है 1000, उसका ओवरऑल ट्वेंटी आना है ये भी रिलेटिव दिया हुआ है ट्वेंटी आपसे पूछा है किस रेट से गैसेस जल के बाहर निकलेगा यहाँ पे वन थाउजेंड और जी का वैल्यू टेन आराम से सॉल्व करो और यहां से डीएम बाई डी का कैलकुलेशन करो वही तुम्हारा नीचे में कोई आंसर होगा ठीक है कंसेप्ट समझो कि कैसे ये रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम काम कर रहा है Seven. लिखा है पार्टिकल ऑफ मास ओरिजिनली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट ओरिजिनली रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेर विद टाइम F not and T are constant. The force acting only for the time interval 2t, the velocity of the particle after 2t. तो देखिए हमारे पास F का equation है F not वन minus T minus T by T का square. क्या हम इस F को लिख सकते हैं mass into acceleration is F not वन minus माइनस टी बाई टी का स्क्वायर सो एक्सलेसन विल बी एफ नॉट बाई एम वन माइनस टी माइनस टी बाई टी का स्क्वायर हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टू टी तो क्या हम इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डीवी बाई डी दिस इज एफ नॉट बाई एम वन माइनस टी माइनस टी बाई टी का स्क्वायर तो आपके पास हो गया दैट डी वी इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम वन माइनस टी माइनस टी बाई टी का स्क्वायर एंड डी टी नाउ गो थ्रू इंटीगेशन इंटीगेशन करो वेलॉसिटी जीरो से लेके भी तक और टाइम का लिमिट देख लो द फोर्स एक्ट ओनली फॉर द टाइम इंटरवल टू टी वेलोसिटी ऑफ दिल टू टी जीरो से लेके टू टी तक टाइम होगा जीरो से लेके टू टी तक अब ये इंटीग्रेशन आपको करना है जो आएगा वहां से आपको भी मिल जाएगा एक बार वेलोसिटी वाला लिमिट देख लेते हैं पार्टिकल मूविंग ओरिजिनली Originally at rest is subjected to a force. में rest में 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 था, था वही हम चेक कर रहे थे जीरो से भी था ना लिमेट. तो ये आपको left hand side में velocity का कीजिए सॉल्व कीजिए आंसर आएगा आगे नेक्स्ट एट लिखा है शिप इन स्पेसिप स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट शिप जब स्पेस में उड़ता है तो जो स्पेस में डस्ट पार्टिकल होता है वो उसके साथ चिपकता है इट्स मास इन एट ऑफ डी एम बाई डी टी इज गिवेन फिर से वेरिएबल मास सिस्टम मास है। भी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस एक्सोलेशन फिर से बोलेंगे फॉर दिस वेरिएबल मास सिस्टम दिस वेरिएबल सिस्टम क्या हम लिख सकते हैं तो तो अपना भी है, और डीएम बाई डी टी जो है वो बी भी स्क्वायर है दिस इज थ्रस्ट हाँ इसका डायरेक्शन याद रखना कि वेलोसिटी जिधर होगा थ्रस्ट उसके अपोजिट में लग रहा होगा तो यहां पर एक माइनस साइन आप लगा सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हो ऑप्शन में है तो मास इन टू इज इक्वल टू दिस तो अगर हमको एक्सुडेशन लिखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेशन लिखना है तो माइनस क्यू बाई एम माइनस बी क्यू बाई एम बी ऑप्शन इज देर बी ऑप्शन इज देर माइनस बी क्यू बाई एम छोटा छोटा क्वेश्चन से ध्यान रखिए सब नाइन A a small ball ball of of mass m is is thrown upward with the the velocity u from the ground. The ball experiences a resistive force v square where is its speed. कैलकुलस मतलब पे बेस्ट है तो ध्यान रखो ऐसे कि ये मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है इस बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंके जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे

इसलिए नीचे की तरफ एक रिटार्डेशन होगा और उसी रिटार्डेशन के बदौलत यार कौन सा था पता नहीं छोड़ो तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिटार्डेशन होगा सही है तो जरा गौर करना कि जिस जो, जो उस बॉडी पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो एम जी प्लस ये रजिस्टिव फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है रिटार्डेशन है तो एम जी तो एम जी है और रेजिस्टिव फोर्स में हम लोग एम के वी स्क्वायर लिख दिए यहां मास इन टू एक्सोरेशन एम कॉमन जी प्लस केवी स्क्वायर एम एम रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी प्लस केवी स्क्वायर हम लोगों डिस्टेंस के साथ इस चीज को प्लॉट करना है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं वी डॉट डी वी बाई dx इज इक्वल टू माइनस जी प्लस केवी स्क्वायर यहां से आप लिख सकते वी डॉट डीवी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स मतलब यहां हाइट से मात है नीचे से ऊपर फेंके हैं आप अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी वी माइनस ऊपर कर दो जी प्लस के वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स तो जब आप नीचे वाला पॉइंट पे बात करते हैं जहां हाइट जीरो है वहां का स्पीड यू था और जब आप पहुंचते हैं मैक्सिमम हाइट पे तो वहां का स्पीड घट के जीरो हो जाएगा आराम से इसको इंटीग्रेट कीजिए इसके इंटीग्रेशन में लॉग आएगा ठीक है और फिर सॉल्व करके देखिए कि क्या आंसर आता है ठीक है कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा यहीं से आपको मिलेगा एच का वैल्यू यहीं से मिलेगा राइट हैंड साइड में नहीं लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा इंटीग्रेशन हार्ड तो आपको खुद करना है टेन लिखा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल लॉसिटी नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय दैट ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू m लैम्डा v स्क्वायर इस क्वेश्चन को छोड़ रहे टाइम टेकन बाय बॉल टू राइज़ पिछले बार हाइट पूछा था इस बार टाइम पूछा है तो उसी तरह से एक्सेलरेशन आप लिख लेंगे प्लस m लैम्डा v स्क्वायर m ये माइनस साइन रिटार्डेशन और इस एक्सेलरेशन की जगह dv by dt लिखेंगे इस पर माइनस जी प्लस लैमडा वी स्क्वायर एम कट गया और यहां से फिर आप भी का कैलकुलेशन करेंगे डीवी बाई टाइम का कैलकुलेशन माइनस जी प्लस लैमडा वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी नाउ इंटीग्रेट टाइम के लिए एक्सलेसन को डीवी बाई डी टी से हटा दिए पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया था तो डिस्टेंस के लिए एक्सलेशन को भी डॉट डी वी बाई डी एस से हटा दिए ये वाला चीज तो जैसा जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन को यूज करते हैं ठीक है बाकी सॉल्व कीजिएगा कोई ना कोई आंसर मैच करेगा इलेवन देखिए हर जगह जहां बोलते हैं सॉल्व कीजिएगा जरूर रुक के सॉल्व कर लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा इंटीग्रेशन में काम कीजिए क्योंकि बिना उसके तो आंसर आएगा नहीं और मेरे इंटीगेशन बता देने से आपका कुछ होगा भी नहीं क्योंकि नया क्वेश्चन नया इंटीगेशन ठीक है तो आपको जानना होगा आप कोई अगर इलेवन स्टूडेंट इसको देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग तो जानते नहीं है भाई आप नहीं जानते लेकिन ये सब क्वेश्चन जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और जेई देने का मतलब है कि इलेवन ट्वेल्व आप पढ़ चुके हैं तो ट्वेल्व में तो आप छह महीना इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पढ़िएगा तो उस समय ये सब चीज आपके लिए बहुत इजी रहता है इसीलिए हम लोग इसके कैलकुलेशन को स्किप करते हैं कि बच्चा खुद से करे या अगर नहीं कर पा रहा है तो जब तक वो इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से नहीं जान पाएगा तो उसको बता के भी कोई फायदा होता नहीं है रटना तो है नहीं इसको रटना तो है नहीं इसको उसको तो बनाना है क्योंकि कल हो सकता है भी स्क्वायर की जगह भी क्यूब आ जाए तो क्या ये काम आएगा नहीं आएगा तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए फिजिक्स तो हम अपना बता दे रहे हैं इंटीगेशन आना चाहिए डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन लिखा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली मोमेंटम हो गया भाई एम बी और इसके बीच का ग्राफ किसी तरीके से और हाइट के बीच क्या हम लोग अगर किसी बॉल को जमीन से फेंकते हैं मान लो ये ग्राउंड है यहां से किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कितना हाइट अटेंड करेगा किसी भी इंस्टेंट पे कितना हाइट अटेंड करेगा क्या हम सीधा लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू भी मतलब हाइट और वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पैराबोलिक तो स्ट्रेट लाइन वाला तो सीधा काट दीजिए अब आप ये सोचिए कि जब आप जमीन से फेंक रहे थे जिस समय आप फेंक रहे थे उस समय इसके पास मोमेंटम मैक्सिमम था और जैसे जैसे हाइट अटेंड किया मोमेंटम घटा है फिर उसके बाद मोमेंटम निगेटिव में बढ़ा है तो अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हो तो पॉजिटिव मोमेंटम पहले घटा है अल्टीमेटली हुआ है जीरो और फिर निगेटिव के डायरेक्शन में बढ़ा है तो सारे कहानी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डी ऑप्शन थोड़ा हम ग्राफ को बड़ा करके कुछ लिखना चाहते हैं इसलिए देखिएगा ध्यान से फेंकते समय हाइट जीरो है उस समय मोमेंटम पॉजिटिव में मैक्सिमम है जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा वैसे वैसे मोमेंटम घटते जा रहा और मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम ये घटके हो गया है जीरो फिर जैसे ही बॉडी मूव करके नीचे गिरने लगा दैट मोमेंटम बिकम्स निगेटिव बहुत बढ़िया तो डी ऑप्शन इज देर ठीक है डी ऑप्शन आगे नेक्स्ट लिखा है पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम पी स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू जीरो फोर्स एफ इक्वल टू के टी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम पी टू थ्री पी हेयर के इज कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ टी इज हम लोग ऐसा पढ़े हैं एफ इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो अगर आप यहां से डीपी का वैल्यू लिखेंगे देन इट डॉट इंटीग्रेट कर दीजिए फोर्स के जगह पे लिखिए के टी डॉट डी मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम पी टू थ्री पी इन टाइम जीरो से लेके टी आराम से सॉल्व करो और टी का वैल्यू निकालो ठीक है आराम से सॉल्व करो टी का वैल्यू निकलो सॉल्व हो जाएगा आराम आगे नेक्स्ट लिखा मैन ऑफ इज रनिंग ऑन अ रोड एंड सडनली जंप्स इनटू अ स्टेशनरी ट्रॉली कार ऑफ मास वन ट्वेंटी के जी द ट्रॉली कार स्टार्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड दी ऑफ द रनिंग मैन बॉस दिस इज

जिसका मास मान लो स्मॉल एम है ये रोड पे दौड़ रहा है किसी एक वेलोसिटी यू से फिर उसके बाद उसके बाद ये मैन इस ट्रॉली में चढ़ गया तो अब यहाँ एम और एम दोनों एक साथ है और ये दोनों पूरा सिस्टम एक वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ा 2 टू मीटर पर सेकेंड आपको इसके बेसिस पे मैन का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये बताना है तो क्या मेरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन है और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम मास ऑफ मैन मास ऑफ ट्रॉली और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है तो मास ऑफ मैन सिक्सटी के जी इंटू उसका वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स बिकॉज यहीं पे हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम मास ऑफ मैन सिक्सटी मास ऑफ ट्रॉली इज 120 चलो आगे कंजर्वेशन ऑफ लीनर नेक्स्ट लिखा बैट्समैन हिट बैक हिट बैक वापस भेज दिया बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ फिफ्टी मीटर पर सेकेंड द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इज देखिए भाई इंपल्स सीधा होता है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप इस क्वेश्चन के एक तरीके को समझ रहे हैं ये बैट है बॉल आया किसी एक मोमेंटम एम से तो लौटा है माइनस एम से तो अगर आप फाइनल मोमेंटम में माइनस एम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम में एम लिखते हैं तो आपका चेंज माइनस टू एम का होगा जिसमें मैग्नीट्यूड आपका टू एम से निकल जाएगा तो आप यहां पे इंपल्स का जो वैल्यू लिख रहे हैं डायरेक्शन नहीं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो टू लीजिए मास के जगह पे जीरो पॉइंट फोर और स्पीड के जगह पे फिफ्टीन चौबीस न्यूटन मीटर न्यूटन पर सेकंड न्यूटन सेकंड सॉरी न्यूटन सेकंड ठीक है चौबीस में बारह एक्चुअली बारह 12 न्यूटन सेकंड, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। सारा क्वेश्चन तो लगभग अभी तक ऐसे ही है। लिखा है, बॉय पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास्स 2 किग्री विथ अ फोर्स ऑफ 10। इफ द बॉक्स वाज इनिशियली एट्रेस्ट, देन डैश मीटर इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सेस आफ्टर 10 सेकंड्स। तो फोर्स आपके पास है ट्वेंटी आई कैप प्लस टेन जे कैप मास दो के जी है तो एक्सलेशन हो गया फोर्स बाय मास कैप प्लस डिवाइडेड बाय टू तो आपका एक्सोलेशन हो गया टेन आई कैप प्लस फाइव जे कैप तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लेना है तो लिखना है टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्योंकि ये एक्सलेशन कांस्टेंट है इनिशियली रेस्ट में था ठीक है तो ये जीरो प्लस हाफ एक्सलेशन के जगह पे हम लोग लिख दिए हैं टेन आई कैप प्लस फाइव जे कैप और टाइम में हम लोग को लेना है दस सेकेंड टेन का स्क्वायर कितना हो गया हंड्रेड का फिफ्टी टेन आई कैप प्लस फाइव जे कैप तो फिफ्टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए देन इट इज फाइव हंड्रेड आई कैप एंड टू फिफ्टी जे कैप लेकिन आपको केवल एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बताना है केवल एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बताना है तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है आपका फाइव हंड्रेड मीटर एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है आपका फाइव मीटर्स क्लियर है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन। में लिखा है टू बॉडीज ऑफ मासड बाई स्ट्रिंग गोइंग ओवर इज एट रेस्ट दाय द इन क्लाइंट प्लेन सिस्टम इज एट रेस्ट ये लिखने से आपको ये थीटा मिल जाएगा बहुत आसानी से ठीक है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इन क्लाइंट प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास बी नॉर्मल निकालना है सबसे पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना ले वहीं से सारा आंसर आने लगेगा तो अगर आप इसका डायग्राम देखिएगा ध्यान से तो मेरे पास जो M1 वन है उसका इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसको आप कहते हैं एम वन जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा एम वन जी कॉस्थीटा यही नॉर्मल के बराबर होगा ठीक है और यहां काम कर रहा है एम टू जी नीचे की तरफ तो अगर यहां पे फोर्सेस को लिखो तो ये है हम लोगों का एम वन जी कॉस थीटा याद रखिएगा यही वो आंसर है जो नॉर्मल के साथ बराबर होगा यही इधर है हम लोग का एम वन जी साइन थीटा और ये काम कर रहा है नीचे में एम टू जी अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो तय है कि जो नीचे की तरफ लगने वाला जो नीचे की तरफ लगने वाला m1g साइन थीटा है वो एग्जैक्टली exactly m2g के बराबर दोनों तरफ g g कैंसिल तो आपको मिला साइन थीटा इज इक्वल्स टू m2 by m1 साइन थीटा मिल गया m2 by m1 अब आपके पास डाटा आउटा सब अवेलेबल है m2 का वैल्यू है भाई 3 kg m1 का वैल्यू है 5 kg तो दिस इज 3 5 तो okay. क्या क्या यहां से हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं फोर बाई फाइव अब देखो जो हम लोगों को नॉर्मल कैलकुलेट करना है हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को कैलकुलेट करना है फोर्स एग्जर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन बॉडी ऑफ मास एम एंड दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली नॉर्मल एक्टिंग ऑन वन विच इज इक्वल टू एम वन थीटा तो M1 का वैल्यू फाइव जी का वैल्यू टेन और कॉस थीटा इज फोर बाई चालीस न्यूटन सो फोर्टी न्यूटन इज द फोर्स समझ में आए फोर्टी न्यूटन इज द फोर्स आगे बढ़िए नेक्स्ट लिखा है अ ब्लॉक ए टेक्स टू सेकेंड्स टू स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शन लेस इन क्लाइन ऑफ थर्टी डिग्री एंड लेंथ एल

इंक्लाइन का इधर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा तो आप लोग जैसे डिस्कशन किए हैं पूरा थ्योरी आपके सामने डेरिवेशन भी हो चुका है कि किसी भी ब्लॉक को अगर आप इसके ऊपर छोड़ते हैं तो उसका एक्सलेशन आता है जी साइन थीटा फ्रिक्शनलेस सर्फिस पे जी साइन थीटा तो कोई सर्टेन डिस्टेंस अगर आप इस पर कवर करते हैं मान लीजिए आप इस पर सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं एल तो आखिर एल डिस्टेंस कवर करने में कितना सेकेंड लगता है तो सीधा हम लोग यूज कर रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टर्म तो जीरो है तो टाइम हो गया अंडर रूट टू एस बाई ए अंडर रूट टूएल्व बाई ए और ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जी साइन थीटा सही है तो जो दोनों केस है उन दोनों केस में बस बदलाव है कि पहले केस में थीटा थर्टी है और दूसरे केस में थीटा फोर्टी फाइव है तो फर्स्ट केस में अगर दो सेकंड लगा था तो दूसरे केस में कितना समय लगेगा तो सीधा देखिए ना साइन थीटा के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली है मतलब जो टाइम है वो वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा है तो टाइम टेकन इन फर्स्ट केस बाई टाइम टेकन टाइम टेकन बाय फर्स्ट केस बाय टाइम टेकन इन सेकंड केस इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन थीटा इन सेकंड केस बाय साइन थीटा इन फर्स्ट केस तो पहले केस का टाइम टू है ये हम लोगों को निकालना है अंडर रूट सेकेंड केस का एंगल है फोर्टी फाइव जबकि फर्स्ट केस का एंगल है हम लोगों का थर्टी डिग्री आराम से सॉल्व करके टी फाइंड आउट कर दीजिए जो आएगा वही आंसर ठीक है आगे नेक्स्ट 18 में लिखा है अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल पासिस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट विद अ पार्ट ऑफ लेंथ एल इज हैंगिंग ऑन द वन साइड एंड रेस्ट ऑफ इट्स लेंथ एल माइनस एल इज हैंगिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पुली एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेन एल इज यहाँ एल होगा आई तो नहीं होगा क्वल टू एल बाई एक्स द एक्सलेन ऑफ दी बाई टू दैल्यू एक्स आपको X है। इस सिस्टम को एक ऐसे मान लो ना कि आपके पास एक पूस्टम है ये पुलिस है, है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लॉक लगा है राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक लगा हम बोल रहे हैं ब्लॉक हम यहां पे देखो ये जो लेंथ एल है ना हमारे रोप का उसको एक ब्लॉक मान लेते हैं right है, एम टू तुम चाहो तो इस एम वन को लिख सकते हो मास टोटल टोटल मास तो दिया नहीं है चलो कोई बात नहीं हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टोटल मास एम

एम टू को लिए तो एम टू का नीचे की तरफ काम कर रहा है एम टू जी ऊपर की तरफ T और नीचे की तरफ एम वन जी तो एम टू के लिए फॉर एम टू अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू एम वन लेंगे टी माइनस एम वन जी इज एम वन ए दोनों को ऐड करो जैसे ही ऐड करोगे टेंशन से टेंशन कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड में आया एम टू जी माइनस एम वन जी और राइट हैंड साइड में आया एम टू प्लस एम वन एंड ए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एक्सेलरेशन इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एक्सेलरेशन इज जी बाई टू सो लेफ्ट हैंड साइड में है एम टू माइनस एम वन जी बाहर राइट हैंड साइड में है एम वन प्लस एम टू जो टोटल मास है यहां जी बाई टू ये दोनों कट गया एम टू माइनस एम वन ये टोटल मास है ठीक है बाई टू अब आप M2 और M1 का डाटा पुट करो M2 था अपना M बाई एल मल्टीप्लाइड विथ एल माइनस एल और M1 था M बाई एल मल्टीप्लाइड विथ एल इज इक्वल टू एम बाई टू में M कैंसिल L माइनस एल बाई एल माइनस एल बाई एल इज इक्वल टू वन बाई टू सो इट इज एल माइनस टू एल बाई एल इज इक्वल टू वन बाई टू एल माइनस टू एल इज इक्वल टू एल बाई टू यही चलते फिर यह टू नीचे चला गया सो स्मोल एल इज इक्वल टू एल बाई फोर स्मॉल एल इज इक्वल टू एल बाई फोर एल बाई एक्स एक्स इज फोर

क्लाइंबिंग अपवर्ड में टेंशन बताना है डाउनवर्ड में टेंशन बताना है और बताना है कि कब वो रोप ब्रेक करेगा चलो एक करके देखते हैं। दो केस के लिए को दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा सपोज यहां पे ये यह मंकी अब मंकी हम कितना सुंदर बना पाएंगे आप समझ ही रहे हैं आप मान के चलिए ये मंकी है ये उसका टेल है और हाथ पैर है उसका अपना ये क्या कर रहा है कि हम ऐसा मान के चलते कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सोडेट हो रहा है ऊपर की तरफ ठीक है ऊपर की तरफ का एक्सलेशन हम लोगों को लेना है फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होता है तो ये हाथ से इसमें टेंशन लगा रहा है इसका एम तो नीचे है ही तो क्या अभी का ये क्वेश्चन ऐसे बन के तैयार हो रहा है क्या कि वन, ये टी वन है टी वन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एन टी वन इज इक्वल टू एमजी प्लस एम मास ऑफ द मंकी कितना है पचास के जी सॉरी फिफ्टी इंटू टेन एंड फिफ्टी इंटू फाइव सो यहां पे आ गया ये सात सौ पचास न्यूटन तो जब ये मंकी अपवर्ड में एक्सुडेट होगा जब ये मंकी अपवर्ड में एक्सोडेट होगा तो उस समय थ्रेड का टेंशन सात सौ पचास होगा और थ्रेड टूट भी जाएगा क्योंकि थ्रेड तो मैक्सिमम तीन सौ पचास तक झेल का झेल पाता है तो यहां पे स्ट्रिंग या रोप जो है वो ब्रेक कर जाएगा रोप विल ब्रेक रोप टूट जाएगा अब वही मंकी वही मंकी है लेकिन इस बार वो नीचे की तरफ एक्सोरेट कर रहा है और उसका एक्सलेशन वैल्यू है फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हाथ से पकड़ के टेंशन ऊपर लगेगा नीचे की तरफ उसका एमजी लगेगा केस टू में अगर तुम देखो तो एमजी माइनस टी इज इक्वल ये टेंशन को मान लो टी टू है देन टी टू इज इक्वल माइनस फिफ्टी इंटू टेन माइनस फिफ्टी इंटू फोर तो पांच सौ में से दो सौ गया तीन सौ न्यूटन अब ये जो हम लोगों का टेंशन टू आ रहा है ना तीन सौ न्यूटन आ रहा है टेंशन टू हम लोग का तीन सौ न्यूटन आ रहा है ये तो छोटा है ना तीन सौ पचास न्यूटन से तो रोप ब्रेक नहीं करेगा रोप विल नॉट ब्रेक रोप ब्रेक नहीं करेगा अब चलिए ऑप्शन देखिए उस हिसाब से टिक कीजिए अपवर्ड में टेंशन सात सौ पचास है सात सौ तो नहीं है डाउनवर्ड में तीन सौ पचास नहीं है 300 है रोप विबिंग अपवर्ड सी ऑप्शन इज राइट रोप विल ब्रेक वेन मंकी इज क्लाइंबिंग अपवर्ड जब मंकी ऊपर चढ़ेगा तब रोप टूटेगा चलो बढ़िया क्वेश्चन लेखा थ्री मासेस एम इक्वल टू हंड्रेड एम वनवल्स टू टेन एंड एम टूल्स टू ट्वेंटी एस सोन इन फिगर All the surfaces are frictionless, and the strings are inextensible and weightless. The pulley are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that the mass m two moves upward with an acceleration of two meter per second square. The value of F is. <laughs> सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो नीचे में कोई फ्रिक्शन तो काम कर नहीं रहा है इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर एक मास मान लो, फॉर होल सिस्टम अगर हम इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन लें जो एक्चुअली राइट हैंड साइड की तरफ है तो आएगा फोर्स यही एक्सटर्नल फोर्स है बाकी और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं जो राइट हैंड साइड की तरफ एक्सलेशन और पूरे सिस्टम का मास तो ये एफ रहा और नीचे दस और एक सौ तीस इतना आया जब ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ एक्सोरेट होगा तो जो मेरा एम है वो लेफ्ट की तरफ एक शीडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेंशन टी मान लो, लो इस वजह से ये एम टू भी ऊपर की तरफ जाएगा और एम टू का ऊपर जाने का एक्सलेसन क्वेश्चन में टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये एम वन भी लेफ्ट की तरफ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस एक बार शिडो फोर्स लेने के बाद यू कैन इमेजिन दैट एक्सोरेट नहीं हो रहा है अब आप इक्वेशंस इक्वेशम वन एम वन को ध्यान से देखिए जो उस पर शिडोफोर्स लग रहा है पीछे माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सोरेशन सही है सीडो फोर्स कितना लग रहा है तो मास हम एम वन का लेंगे एक्सलेशन ऑफ फ्रेम का लेंगे माइनस टू इज इक्वल टू एम वन ए तो ये मास आ गया आपका टेन और एक्सलेशन फ्रेम का आ गया एफ बाई एक्सो तीस माइनस इक्वल टू दिस इज टेन ए ए का वैल्यू टू है पुट कर लेंगे तो अगर टू पुट कर दो तो यहां बीस आ जाए सो इट एस एफ बाई थर्टीन माइनस टी इज इक्वल टू ट्वेंटी चलो ये इक्वेशन बन रहा इसी तरह एम टू के बारे में सोचो एम टू के डायग्राम को ध्यान में रखो एम टू ऊपर की तरफ एक्सडेट हो रहा था तो टेंशन माइनस एम टू जी इज एम टू ए टेंस टू हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी इन टू दैट इज फोर्टी इक्वेशन टू है दोनों इक्वेशन को ऐड करो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा एफ बाई थर्टीन माइनस टू हंड्रेड इस ट्वेंटी प्लस फोर्टी एफ बाई थर्टीन विल बी इक्वल्स टू टू सिक्सटी और एफ इज इक्वल्स टू टू सिक्सटी इंटू थर्टीन अप्रोक्स इतना दैट बी आंसर इज देअर ठीक है बी आंसर होगा चलो आगे बिल्कुल एक एक लाइन आपको समझ समझ के काम करना हो जाता है फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम सोन इन फिगर द फोर फोर्सेस आर अप्लाइड इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड एट वट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस एक्सलेन ऑफ द बॉडी इज जीरो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या पड़ता है ना कि मान लो चार फोर्स आपके पास दिया है तो ये चारों किधर किधर ना किधर रिजल्टेंट लगा रहा होगा अगर हम आपको रफली आपको सामने अगर ऐसे बताएं हम डायग्राम में ही आपको लगभग दिखा देते हैं डायग्राम में समझना लगभग आंसर आ जाएगा देखो सिक्स और फाइव अपोजिट में हम बात कर रहे हैं सिक्स का और हम बात कर रहे हैं फाइव का ये दोनों अपोजिट में अगर ये दोनों अपोजिट में है तो दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें रिजल्टेंट के लिए अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ पे देखिएगा हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वन न्यूटन काम कर रहा है सही है अब ऊपर सेवन है और नीचे एट है दोनों अपोजिट में है तो एट में से सेवन गया तो बोल सकते हैं कि वन न्यूटन नीचे काम कर रहा है अब अगर ये दोनों वन वन न्यूटन है वन, वन वन न्यूटन है तो इनका अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो इन दोनों का दोनों मतलब चारों ओके okay. इन चारों का जो नेट रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा ये अभी चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट है ये कितना है अगर मैग्नीट्यूड चाहो तो रूट अंडर वन स्क्वायर वन स्क्वायर तो ये रूट टू न्यूटन आएगा अब अगर आप चाहते हैं कि ये नेट फोर्स जीरो हो जाए अगर आप चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए तो exactly इसी रिजल्टेंट के बराबर में फोर्स आपको इसके अपोजिट में लगाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपको राइट right में लगाना चाहिए यह आपका रिक्वायर्ड फोर्स होगा ताकि एफनेट का वैल्यू पूरे सिस्टम पे जीरो आ जाए ठीक है तो भाई इसी की तरह इसका भी इधर एक न्यूटन होगा एक न्यूटन होगा तो क्या है? इस रिक्वायर्ड फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं एक तो वो पैंतालीस डिग्री एंगल पे काम करेगा और अगर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट टू काम करेगा अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इस सिस्टम के हिसाब से है उस हिसाब से अपना आंसर टिक कीजिए तो, रूट टू न्यूटन फोर्टी फाइव डिग्री एक्स एक्सिस से फोर्टी फाइव डिग्री एक्स एक्सिस से फोर्टी फाइव डिग्री रूट टू न्यूटन एक्स एक्सिस से फोर्टी फाइव ठीक है आगे बढ़िए में लिखा है द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल्स टू वन फोर्थ ऑफ इट्स वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स द वैल्यू ऑफ ए बिल्कुल मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक प्लैंक है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है और ये जो हमारा प्लैंक है वो डिसेंड कर रहा है नीचे आ रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता है कि ऊपर की तरफ एक शिडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ इसका एम लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा अगर हम शिडो फोर्स बना दें जैसे एम बना दिए नीचे एम ये नॉर्मल तो अब ये एक्सलेशन का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं नाउ यू कैन से दैट कि इज सेक्वल टू नॉर्मल प्लस एम ए क्वेश्चन में कहना है कि जो हमारा वेट एग्जर्ट कर रहा है फ्लोर तो एम जी इज इक्वल टू एम जी बाई फोर यहां पर और प्लस एम ए आपको ए निकालना है एम जी माइनस एमजी बाई फोर इज इक्वल टू एम एम ए एक्सिलेशन का वैल्यू हो गया आपका थ्री जी बाई फोर तो वो पूरा सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है पूरा सिस्टम नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है थ्री जी बाई फोर से ठीक है आगे नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन इलेवेटर इन विथ सिचुएशन ही एक्सपीरियंस वेट लॉस मतलब एपरेंट वेट एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो इसके लिए शीडो फोर्स ऊपर होना चाहिए वेन द एलिवेटर मूव अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन गलत है अगर अपवर्ड मूव करेगा तो शीडो फोर्स नीचे काम करेगा और एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आ जाएगा इस केस में आपका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा When the elevator moves downward with constant acceleration, ये सही है When the elevator moves downward, तब शीडो फोर्स काम करेगा अपवर्ड और उस केस में आपका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आएगा इसी को आप वेटलेस कहते हैं वेटलेस कहते हैं वेन द एलिवेटर यूनिफॉर्म के केस में कुछ नहीं होता यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर आ जाता है ठीक है कोई शिडो फोर्स नहीं काम बी so, आगे नेक्स्ट लिखाइन द सोन इन फिगर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर respectively. ऑफ of द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दिस arrangement? खाली फ्री बॉडी डायग्राम का खेल है और कुछ है नहीं। देखिए इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है मान लो ए थ्री है इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है मान लो ए फोर है ठीक है इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है मान लो ए टू है और इसका एक्सलेशन नीचे की तरफ है मान लो ए वन है ये उसका actual acceleration, actual acceleration. A1, A2. नीचे में है कहीं ए थ्री एंड ए फोर अब जरा थ्रेड में टेंशन ड्रॉ करो यहां का थ्रेड का टेंशन टी है यहाँ टी है तो इसमें तो टूटी होगा टी और टी का टूटी ठीक है और अगर इसमें टी, टूटी होगा तो यहां भी टूटी होगा और अगर इसमें टूटी होगा तो ये ऊपर वाले में फोर्टी होगा और वहां अगर फोर्टी है वहां अगर फोर्टी है तो इसमें भी लगने वाला एक्सोलेशन फोर्टी है देन रिमेंबर दैट आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया गया है कि समेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सोलेशन शुड बी इक्वल्स टू भी तो हर किसी के लिए टेंशन ऊपर एक्सोलेशन नीचे है डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली ये तो देखो फर्स्ट केस में लिखेंगे फोर्टी डॉट ए वन माइनस साइन दूसरे केस में लिखेंगे माइनस टू टी डॉट ए टू फिर अगले केस में उसको छोटा कर दो फिर नेक्स्ट केस में हम लोग लिखेंगे माइनस टी डॉट ए थ्री एंड माइनस टी डॉट ए फोर एंड दैट ऑल इक्वल्स टू जीरो दैट ऑल इक्वल्स टू जीरो सभी में माइनस कैंसिल सभी में आना टी कैंसिल तो आपके पास हो गया फोर ए वन प्लस टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो फोर ए वन प्लस टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल टू जीरो दैट ए ऑप्शन इज ठीक है चलिए आगे बढ़ते 25 में लिखा है over a from इस फिगर को देख के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए यहाँ पे एट के जी का जो ब्लॉक जिस पुली पे हैंग है वहां पे स्ट्रिंग दो बार लपेटा हुआ है और वो स्ट्रिंग ऐसा बोल सकते हैं कि एट के के साथ दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है दोनों में टेंशन टी टी है तो टू टी है और टू के के साथ केवल टी लग रहा है तो जिसमें टू के पे टेंशन टी लग रहा है और एट के पे टेंशन टू टी लग रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सोलेशन में कुछ रिलेशन होगा पहले आपको यह समझना चाहिए कि एक्सोलेशन में कुछ रिलेशन होगा आपको बताया गया है कि अगर टेंशन बढ़ता है तो एक्सोलेशन क्या होता है कम होता है चलिए डायग्राम बनाते हैं देखिए इसको हम लोग एम वन मान ले और इसको एम टू यहां पे टेंशन टी लग रहा है तो वो तो ये रहा कि यहां भी टी लग रहा है यहां टी लग रहा है तो आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो इस टू के जी ब्लॉक को इस टू के जी ब्लॉक को अगर आप ऊपर भेजिएगा ए एक्सोलेशन से

टू के जी या एम वन ऊपर की तरफ जा रहा minus, है टेंशन माइनस एम वन इक्वल टू एम वन ए दिस इज इक्वल टू टू इज इक्वेशन वन पर जी जिसको आप एम टू कह रहे थे वो नीचे जा रहा है तो एम टू जी माइनस ऊपर की तरफ टू है इस एम टू उसका एक्सलेशन याद रखना a बाई टू है तो यहां हो गया एट्टी माइनस टू टी इज इक्वल्स टू एट इन टू ए बाई टू विच इज इक्वल्स टू फोर ये इक्वेशन टू है दोनों को ऐड करके हमको एक्सलेशन फाइंड आउट करना है एड करने के लिए ऊपर इक्वेशन वन को दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे अब ऐड करेंगे t कट कर जाएगा adding equation वन into टू with टू वन को टू से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये हो गया एटी माइनस ट्वेंटी का फोर्टी राइट हैंड साइड में फोर ए फोर ए और तो ऐसे ही था फोर इज इक्वल टू एट ए या फिर एक्सलेशन का वैल्यू हो गया फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा ये ए आया है लेकिन अगर आप फिगर से देखिएगा तो आठ के जी ब्लॉक को बीस सेंटीमीटर ट्रेवल करना है और उसका एक्सलेशन ए बाई टू है आठ के जी ब्लॉक को बीस सेंटीमीटर ट्रेवल करना और उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ ए बाई टू है टाइम निकालना आपको आपको एट के जी ब्लॉक सीधा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू तो टर्म जीरो है दिस हाफ ए टी स्क्वायर आपको चाहिए टी देर फॉर टी इज अंडर टू एस बाई उसका एक्सलेशन याद रखना बीस सेंटीमीटर है जीरो पॉइंट टू और एक्सलेशन हाफ है फाइव बाई टू ये दो ऊपर चला गया जीरो पॉइंट एट हो गया जीरो पॉइंट एट बाई फाइव वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स है सॉरी जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो पॉइंट वन सिक्स तो क्या लिखते हैं जीरो पॉइंट फोर इतना सेकेंड्स जीरो पॉइंट फोर सेकेंड्स उसको लगेगा जाके नीचे टेबल के साथ टकराने में जीरो पॉइंट फोर सेकेंड दैट डी ऑप्शन इज ठीक है